ओके त्रिलोचन दा कद ठीक है अपना कल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किते नियर अबाउट 22-23 ठीक है सबने उन्हें अपनी फेयर कॉपी ते करना है क्लियर है और आज आप करने ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ये नाल ही साडा चैप्टर खत्म और लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट ठीक है फॉर PT3 राइट फर्स्ट क्वेश्चन देखो लेखक अपने माली त्रिलोचन तो क्यों दुखी सी हरमीत छुट्टी का वेला मुक्ति हो जाता सी। कई बार वो छुट्टी लैके क्यारी अद्धा पौना कट्टा ला के उड़दा पर क्यारी में दिली हुई रहती सी। ठीक है राघव देवांग फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम ना बोलिया करो ना बोलिया करो बोलो हिप्सा फर्स्ट आंसर और सेकंड ओके फर्स्ट लेखक अपने माली त्रिलोचन तो दुखी सी क्योंकि वो सारा दिन कुसाइयां मारदा रहंदा सी ते ओ काम ते उसदा काम विच जिवें मन ही नहीं लगदा सी। ओ सारा दिन बैठ के गप्पे मारदा रहंदा सी ते ओ बैठ के चाह पींदा ते ओ एने वेच ही उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता। कई बार ता ओ अद्धा पौना घंटा ला के उठता पर क्यारी उंज ही हुंदी। इस ठीक है करके लेखक अपने माली त्रिलोचन को दुखी सी। ओके वेरी गुड राइट दुखी क्यों सी माली तो क्योंकि एक ता हो सुस्त सी ठीक है बहाने मारदा रहंदा सी फिर सारा सारा दिन भी काम करके ओदा कदी काम नहीं सी खत्म हुंदा क्यारी ओदा दी ओदा ही रहंदी सी ठीक है इसलिए वो अपने माली तो बहुत ज्यादा दुखी सी। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लेखक दे घर दा लॉन हमेशा चौंसिया रहन दे की कारण सन कार्तिक लेखक क्योंकि पानी की बहुत कमी है जिस कारण बूटियां पानी नहीं मिलता। उसका मालिक खाद मंगवा वो भी चंगी नहीं सी ते सारे कदी उसके फूल जमीन ठीक है जैस्मिन ठीक है तो सेक रीजन दस्ता ओके राघव ते
ठीक है, सेकंड गर्ल, सेकंड क्वेश्चन। लेखक दे कर द लॉन्च आंसर रहने की कारण सन। फोर, तीन चार रीजन है। फोर बोलो रीजन। रूहानी, एक तुसी पहला की वर्ड बोलिया, वो हमेशा उस तो बाद विच लारे नी, बहाने बहाने। क्लियर है? चौंसर रहने तीन कारण सन, या तीन तो ज्यादा भी लिख सकते। पहला किसी का पानी की कमी, दूसरा जमीन कलर वाली सी, फिर खाद भी चंगी नहीं सी, फिर चौथा एक मेन रीजन, वो खुद ही दिलचस्पी नहीं सी लेंदा, ठीक है, इसलिए ओदे घर दा लॉन हमेशा चौंसिया रहिंदा सी। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट, लेखक दा बगीचा क्यों ठहकण लग पिया, खिड़न क्यों लग पिया सी। इजी है, स्टोरी पढ़ी हुई है तुसी। चितेश, दोबारा खिड़न लग पिया सी, ओदा रीजन की सी। विशव बैठो, उच्ची बोलो थोड़ा विशव।
मैम यू आर म्यूटेड। ओके सॉरी। हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन। ओके शुभ। हाँ जी जसवीन। यस मैम। मैम मैं प्लीज रिपीट थर्ड आंसर। ठीक है ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन सी लेखक दा बगीचा क्यों ठहकन लग पाया खिड़न लग पाया। ठीक है ओदे जिन्ने बहाने वाले रीजन सन कि जिस तरह पानी की कमी है पानी की कमी नूं पूरा करन लई उन्होंने की किया बूस्टर पंप लगवाया। ठीक है चंगे तो चंगे बीज चंगी तो चंगी खाद उन्होंने मंगवाई राइट। फिर उन्होंने काफी पुस्तकां पढ़िया दोनों हसबेंड वाइफ ने। ओके ते इसे कारण माली भी दिलचस्पी लैन लग पाया तो उन्होंने जिहड़ा बूटा है वह ठहकन लग पाया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਭਿਆ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਤਿਕ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਗੀਚਾ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਟੈਕੇ ਜਾਂ ਖਿੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਤਿਕ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦੀ ਤੈਅ ਜਮਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਨਮਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਜਸਵੀਨ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਸ਼ਰ
शुभ यस मैम। कोठे उत्ते ही घा दा लोन बनाया गया, कोठे उत्ते ही सब्जी दियां क्यारियां बनाईयां गईयां, कोठे उत्ते ही फुलां दे बूटे लाए गए, असी अपनी पसंद दे पौधियां दियां पनीरियां लिया के लाईयां, ते त्रिलोचन भी अपने दूजे मालियां नाल अपने रसूख करके कितों भी कितों कई फुलां दी किस्म कितों कई अलग कोई अनोखा पौधा कढ लिया, असी अपना वातो वा समा वेला वक्त कोठे उत्ते बगीचे विच बैठ के ही गुजारदे सी। कार्तिक हां जी इप्सा बहुत चंगी तरह अच्छा नहीं एक्स्ट्रा ओके देखा जेड़ा एक फुलका का खिड़िया देखा ने सैक रहा सी उन्हें जब कोठे पे बगीचा बनाया तब उसके सामने अन्य बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है क्लियर है बेटा की लगाया सब्जी पनीरियां अलग अलग तरह के पौधे गुलदोदियां गुलाब ठीक है पर सिर्फ की लाया नहीं लिखना पहला लाइन भी लिखनी है कि लगाया क्यों गया ठीक है और किस तरह लगाया गया यह सारा एक्सप्लेन करना तुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक दे बच्चियां ने अंग्रेजी दे रिसाले विच की पढ़िया सी रिसाला मतलब रिसाला मैगजीन अदगुन जोतिन जसवीन ठीक है शुभ यस मैम। लेखक दे बच्चों ने अंग्रेजी दे रिसाले विच ऐ पढ़िया सी कि वनस्पति विच वी इंसाना वांग जान हुंदी है इंसाना वांगर एहसास हुंदा है अमरीका विच लोकी अपने घरां विच लाए पौधियां नाल गल्लां करदे ने इस तरह पौधियां विच नवी महक तहक आ जांदी है पौधे चंगे गाना सुना सुन के इंसाना वांग ही खुश हुंदे ने उहनां विच रौनक आ जांदी है फुलां दे बूटे नाल जेड़े फुल लगदे ने ओ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਰਾਘਵ ठीक है। साव्या Yes, ma'am. त्रिलोचन माली हुन इसलिए खुश सी क्योंकि उसकी बगीचे नू कलोनी विच सब तो वधिया बगीचा गिणिया गया सी। ए नाम सुन के उसके पैर जिवें धरती ते ही ना लगे, वो अपने दोस्तां प्रसन्नता नू लिया लिया के अपनी कार गुजारिया भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਨੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਗੀਚਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਕਾਰਤਿਕ ਅਦਗਨ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ।
क्लियर बच्चे क्वेश्चन आंसर्स अक्षरा ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਮੋਲਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਖੁਦ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਨਗੇ पांच छे लाइना दा हर क्वेश्चन बनेगा ठीक है सो दो लाइना दा क्वेश्चन नहीं लिखना क्लियर है ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैप्टर खत्म लिटरेचर पोर्शन खत्म हुन सिर्फ तुसी अपने कोल ग्रामर दी बुक लेके आया करनी है ओके और अपनी फेयर नोटबुक लेके आया करनी है ठीक है मोस्टली साडा सिलेबस जेड़ा है वो खत्म हो चुका है राइट सो अपना काम कंप्लीट करना शुरू कर दो मैं थोनू पहले ही कहा कि फ्राइडे नू थोड़ी कॉपी चेक होएगी हाँ जी साव्या किसी ने कोई डाउट है तो पूछ लो साव्या यस यस मैम एक बार थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दो लेखक का बगीचा क्यों टैकन लग पिया सी ओके टैकन इसलिए लग पिया सीगा क्योंकि एक तो पानी की कमी जाती रही ठीक है दूसरा जेडे बीज सीगे वो वधिया किस्म दे लियाने शुरू कर दिते खाद वधिया किस्म दी लियाने शुरू कर दिती फिर लेखक ते उसकी पत्नी खुद दिलचस्पी लेना शुरू हो गए सन ठीक है उन्होंने अलग अलग तरह दी किताबा पढ़निया शुरू कर दितिया सी जिन्हें रीजन सी ना मतलब सेकंड क्वेश्चन विच उन्होंने अपना कवर अप कर लेना थर्ड क्वेश्चन विच ओके साव्या ओके मैम यस मैम ओके